हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपका क्लास फिफ्थ का जो आपका एसेट सेकंड होना है 2022-23 का, इसका हाफ ईयरली एग्ज़ाम का मॉडल क्वेश्चन पेपर, इसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना सारे वो करवाऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। हाउ मैनी गेट्स आर देयर टू रीच इनसाइड चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ किले में पहुंचने के लिए कितने दरवाजे हैं? इसका उत्तर है 7 दरवाजे हैं, 7। इसका आंसर है सी। सेकंड क्वेश्चन है, हु बिल्ट द विजय स्तंभ। विजय स्तंभ को किसने बनवाया? इसका उत्तर है बी, राणा कुंभा ने बनवाया। हु हेल्प द टोटोइज इन टेकिंग टीम फ्रॉम द पोन्ड टू द बिग लेक। तालाब से बड़े झील तक पहुंचने में टॉर्टोइज यानी कि कछुए की मदद किसने की थी? क्रेन्स ने की थी। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड। आप उस शब्द का चयन करना है जिसकी साउंड डिफरेंट हो। तो बच्चों आप बोल के देखो, बुक, कुक, पूल, लुक। तो यहाँ पे किसकी साउंड अलग आ रही है? पूल की। इसका आंसर है सी। अब आपको टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स लिखना है। सही गलत है बच्चों, पहला है द स्टार शाइन्स ब्राइटर देन द सन। तारे सूरज से ज्यादा तेज चमकते हैं? नहीं, इसका ये आंसर है एफ, फेल्स। सेकेंड है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग सेहत के लिए नुकसानदायक है? बिल्कुल सही बात है बच्चों, ट्रू है। वी शुड थिंक बिफोर सेइंग समथिंग। हमें कुछ कहने से पहले सोचना चाहिए, बिल्कुल सही है, ट्रू। मीरा बाई वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ भगवान कृष्णा। मीरा बाई भगवान कृष्ण की महान भगत थी। इसका आंसर है ट्रू। अब आपको फॉलोइंग सेंटेंस जो है उनको पूरा करना है। यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ड्स दे रखे हैं हेल्प बॉक्स में, ठीक है। पहला है, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर राजस्थान की राजधानी, कैपिटल का मतलब होता है बच्चों राजधानी। दूसरा है, रणथंभौर इज अ फेमस टाइगर रिजर्व। रणथंभौर एक प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य है। द टीचर यूज्ड अ डस्टर टू रब द ब्लैक बोर्ड। टीचर ने ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए डस्टर का प्रयोग किया। अब आपको कॉलम ए से बी में सुटेबल अपोजिट वर्ड्स को मिलाना है। देखिए, तो डे का अपोजिट होता है नाइट, दिन यानी रात, मॉर्निंग का सुबह का अपोजिट होता है इवनिंग यानी शाम, ओपन मतलब खुला, क्लोज मतलब बंद, यस मतलब हाँ, नो मतलब ना। अब आपको ए एंड डी का प्रयोग करना है। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। रोहित ईट्स एन एप्पल। देखिए, एप्पल से पहले एन आता है। एन एप्पल बिफोर गोइंग टू स्कूल। रोहित स्कूल जाने से पहले एक सेब खाता है। टॉर्टोइस है, टॉर्टोइस बोला आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक विचार है, आइडिया है। ललिता इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता। ललिता सीता और गीता के बीच में बैठी है। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, पहले स्पेलिंग टीचर की है TEACHER टीचर। दूसरी है इंग्लिश की ENGLISH इंग्लिश। तीसरी है पीपल की PEOPLE पीपल। वाटर WATER वाटर। माई फादर गिव्स अ बर्थडे ऑन माई। अब देखो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है ना, इसका हमें जेंडर चेंज करना है। तो पापा का फादर का जेंडर चेंज होगा तो क्या बन जाएगा? मदर। माई फादर गिव्स ए गिफ्ट ऑन माई बर्थडे टू माई मदर। मेरे पापा ने मेरे बर्थडे पर मुझे गिफ्ट दिया, फादर का हो गया मदर। आई हैव एन ब्रदर, मेरा एक भाई है। एंड एन सिस्टर, ब्रदर का हो जाएगा सिस्टर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपका जो ये ऐसे सेकेंड है उसका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। जो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, जल्दी हम आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो भी डाल देंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।